एक छोटे से खूबसूरत गांव में रिया और रोहन नाम के दो भाई बहन रहते थे। वह एक अच्छे दोस्त थे। रोहन एक बहादुर और देखभाल करने वाला भाई था और रिया एक खूबसूरत और प्यारी बहन साझा करते थे जो दुनिया में सबसे मजबूत था। और एक दिन जैसे ही रक्षाबंधन का त्यौहार आता है, वह उस खूबसूरत दिन के लिए एक खूबसूरत राखी बनाना चाहती थी और उसकी तैयारी शुरू कर दी थी। वे एक खूबसूरत जादुई राखी बनाने के लिए हीरे और मोती और चमकदार खूबसूरत धागे से वे राखी बनाती है। प्यार इसने उस राखी बनाने में डाल देती है। वे एक ऐसी राखी बनाती है जो बुरा इंसान से बचाएगा और उसे राखी का दिन आता है। और रिया अब और इंतजार नहीं कर सकती थी और अपने भाई रोहन के हाथ पर जादुई राखी बनी। और ये राखी कोई साधारण राखी नहीं थी। राखी हाथ पर बंधते ही राखी चमकने लगी और बहन ने कहा कि ये कोई साधारण राखी नहीं है, ये एक जादुई राखी है, आपके हर मुसीबत से बचाएगी। रिया को आभारी महसूस करते हुए उसको कस के गले लगा लिया। ये एक ऐसा उपहार था जो उसके भाई बहन एक दूसरे को दे सकते थे। उस दिन पूरा गांव रक्षाबंधन से पूरा झूम उठा और ये सब एक दूसरे को राखी बांध रहे। भाई बहनों ने एक दूसरे को प्यार दिया और सुरक्षा का वादा किया। लेकिन रोहन की राखी सचमुच अनोखी और जादुई थी और गांव में हर कोई उसकी सुंदरता से आश्चर्यचकित हो गया था। कुछ देर के बाद कुछ अजीब हुआ और बंदरों का सारारत समूह गांव में घुस गया। बंदर सबके खाना चुराने लगे और वह एक चलाक बंदर का ग्रुप था। गांव के छोटे लड़कों ने बंदरों को भगाने की कोशिश की लेकिन उनकी मेहनत पर कोई रंग नहीं लाई। यह सब देखकर रिया अपनी भाई रोहन के पास दौड़ कर लौट गई और उसकी अपने भाई की राखी की जादू याद आया और उस राखी को देखकर फिर रिया अपने भाई के हाथों में राखी को देखी और कही, हे जादुई राखी अपने। यह सब सुनकर रोहन आश्चर्यचकित हो जाता है। उसको इस बात पर विश्वास नहीं था। फिर भी बहन को ऐसा बोलते हुए सुनकर उनको थोड़ी सी विश्वास हो जाती है और वह चला जाता और है। फिर रिया के भाई रोहन ने गांव को सारी मुसीबत से बचाने के लिए और वादा किया। इस चमत्कारी राखी का खबर पूरे गांव में फैल गई और लोगों को रक्षाबंधन की असली ताकत और रिया द्वारा बनाई गई राखी का एहसास हुआ। फिर उसके बाद गांव के बंदर गांव के साथ अच्छे से रहने लगे और लोगों को मदद करने लगे। रक्षाबंधन गांव के लिए एक अच्छा सा त्यौहार बन गया और भाई बहन के लिए बहुत बड़ा त्यौहार था और रोहन और रिया का बंधन और भी मजबूत हो गया और रिया द्वारा बनाई गई राखी लोगों को बहुत अच्छी तरह से मदद करती थी और जीवन को बदलने में मदद करने लगी और लोगों को एक दूसरे से मिलान भी करने लगी।